आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। मंदसौर जिले के शामगढ़ में विगत 12 दिनों पहले बिना पंजीयन एवं एनओसी के शामगढ़ में नेताओं एवं अन्य समाज सेवियों द्वारा सिटी लाइट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया था, जिसे आज स्थानीय प्रशासन द्वारा सील किया गया। ज्ञात रहे कि पिछले सप्ताह जिला चिकित्सालय से एक जांच दल सिटी हॉस्पिटल पहुंचा था, जहां हॉस्पिटल संचालक या स्टाफ द्वारा एनओसी एवं रजिस्ट्रेशन के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जिस पर आज जिला मंदसौर के सीएचएमओ के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन द्वारा हॉस्पिटल को सील किया गया। प्रशासनिक अमला जब हॉस्पिटल पहुंचा तब हॉस्पिटल पहले से ही बंद पाया गया, जिस पर सील की कार्यवाही की गई। प्रशासन से तहसीलदार आरएल मुनिया, बीएमओ मनीष जदानगढ़, सीएमओ जगदीश दानगढ़, एसआई लाखन सिंह के द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर हॉस्पिटल सील किया गया। खबर आपकी राजस्थान से, शाहरुख मिर्जा की रिपोर्ट। जिसमें पाया था कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उन्होंने कहा था हमने अप्लाई कर रखा, पर कल ही लेटर आया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर का। उसमें उन्होंने कहा है कि आप तत्काल कार्रवाई करें और सील करें। तो उसके बाद तहसीलदार महोदय, मैं और नगरपालिका पुलिस विभाग सारे गए थे वहाँ, पर मौके पर हॉस्पिटल बंद ही था। उसके बाद हमने उसको सील किया और उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, अगर उनके पास कागज़ होंगे तो दिखाएंगे तो सील खोल दी जाएगी, उनमें उनको अप्लाई करके डॉक्यूमेंट्स लेना है। मौके पर हम गए थे तब तो हॉस्पिटल बंद था, पर ये अभी कहना संभव नहीं है कि चल रहा था कि नहीं। वो तो एक्चुअली जब उनके डायरेक्टर आएंगे वही बता पाएंगे सारी चीज़। डॉक्टर मनीष जान।